एक्साइटमेंट में सुबह सुबह सो के उठे हैं, जल्दी सो के उठना पड़ा है, एक्साइटमेंट ऐसा लग रहा है क्लब और फंक्शन में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट होके दिखाएं। देखो गाइस ये कपड़ा है और उस पे देखो ये कढ़ाई वढ़ाई की गई है, ये है मंदिर। गाइस एंट्री करते ही राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखने को मिलती है। हाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या कुछ कह रहे थे ना अभी? Hey cuties, good morning and welcome back to my new vlog. तो आपने कल के vlog में देखा कि मेरी पूरी फैमिली मम्मी भाई भाभी और पिंस्टू यहाँ गुड़गांव मेरे पास आए हुए हैं, और मैंने आपको बताया नहीं सॉरी कल के vlog में क्यों आए हैं। यहाँ आसपास ना कोई सोना कुंड है जहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, जैसे हरिद्वार में लोग डुबकियां लगाने जाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक सोना कुंड है वहाँ पे लोग डुबकियां लगाने जाते हैं। तो उनको वहाँ जाना था और वो भी 3 दिन रेगुलर नहाना था, ऐसा मेरी भाभी की इच्छा थी कि मेरे को 3 दिन उसी में नहाना है उसी कुंड में, तो इसलिए वो लोग गुड़गांव आ गए। तो अभी मैं उनको लेके चल रही हूँ, बाकी सब तो उठ चुके हैं घर में, चलो मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ। तो गाइज ये देखो ये मम्मी उठ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग। ये भाई उठ चुका है, बस ये पिंस्टू सो रही है। बाहर बेल बजी, एक बार देखूं कौन आया, इंस्टा वॉक करके आ गया होगा। ओ इंस्टा आ गया तू सुबह सुबह। आंटी उठ चुकी हैं, चाय कॉफी बना रही हैं। तो गाइस मुझे तो लगा था ना कि कोई नहीं उठेगा, आज हमें उठना था 7 बजे सुबह के 7 बजे, मुझे तो लगा था कोई नहीं उठेगा पर सब उठ गए, मुझे भाई ने उठाया। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैं रेडी नहीं हो रही और घर में कोई भी रेडी नहीं हो रहा क्योंकि वहां जाके हमने नहाना ही है। मैंने सोचा था कि हेयर वगैरह वॉश कर लूंगी बट देखो मेरे बालों में ना ऑयलिंग हो रखी है, तो जब वहां पे जाके नहाना ही है तो मैं क्यों रेडी हूँ और क्यों हेयर वगैरह वॉश करूँ। तो चलो निकलते हैं हम, वैसे लेट ना हो जाए इसलिए हम निकलते हैं, चलो फटाफट बाकी की बातें आगे करेंगे। इसको भी ले चलोगे, उठाओगे या फिर ऐसे ले चलोगे? ऐसे ले चलेंगे, उसने एक खराब किया। ऐसे ही ऐसे ही लेके चलोगे? सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ये, भाभी रेडी हो? तो गाइज देखो हमारा इंस्टा वॉक वगैरह करके सब आ चुका है। गाइज मैं भी ना फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं है कैसा है कहाँ है, और मैप में लगा के देखूंगी कि कितनी दूर पर है और हम कब पहुंचेंगे। एक बार मैंने रात में भी चेक किया था बट नींद में थी तो मैं सो गई थी, तो अभी देखते हैं हम कब पहुंचेंगे। ट्रैफिक का टाइम नहीं हुआ तो हम जो है जल्दी पहुंच सकते हैं, वैसे 1-1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, 1-1.5 घंटे तो हमें लगेंगे ही लगेंगे। गाइज 8 बज चुके हैं और ये देखो अभी तक इनकी पैकिंग ही चल रही है। अरे वहाँ पे रहना नहीं है, चलो जल्दी भाई, इनको बस एक एक कपड़े लेने थे अपने लिए जो नहा के निकले और चेंज कर ले, और देखो कितना टाइम लगा रहे हैं। देखो कॉफी भी आ गई है, ये नीचे जल्दी पिए और निकले, उठ जाओ। गाइस देखो पिंस्टू भी सो के उठ गई लेकिन इन लोगों की अभी तक तैयारी नहीं हुई। चल लो ना, क्यों लेट कर रहे हो? हमेशा उसको परेशान करते रहते, भाभी बहुत लेट कर रही हो। मैं कौन सा तैयार हूँ यार, सिंपल ही तो हूँ। चलो मम्मी चलो 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 नीचे उतरूं मैं, बिल्कुल ये पहले तैयार है ये देखो जाने के लिए, चलो मैं रेडी हूं, चलो नीचे उतरो इंस्टा। माँ किचन के पास अभी यहाँ धोने के लिए रखा हुआ है। सो गाइस हमारी लिफ्ट आ रही है, बहुत लेट हो गए हैं भाभी, बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए मम्मी, पिंस्टू तू क्या देखते रहते पागल बच्चे। गाइस चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। सो गाइज ये है आज का मेरा फाइनल लुक, मैंने ये थोड़ा कवर ववर कर लिया है। ओ शिट ये फट कैसे गया, अभी नया पहना मैंने। गाइज देखो ये फट गया, कोई नहीं चलो चलते हैं निकलते हैं। सो गाइज मैंने मैप लगा लिया है, ये दिखा रहा है 32 मिनट्स, मतलब हम कितने बजे पहुंच जाएंगे, 8:59 पे हम पहुंच जाएंगे। सो रेडी हो गाइज? यस रेडी हो, एक्साइटमेंट दिख नहीं रही, एक्साइटमेंट में सुबह सुबह सो के उठे हैं, जल्दी सो के उठना पड़ा है, एक्साइटमेंट ऐसा लग रहा है क्लब और फंक्शन में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट होके दिखाएं। गाइस मेरी ना आंखें सच बताऊं खुल नहीं रही है, देखो कितनी धूप हो रही है क्योंकि मैं नींद में तो खुद भरी पड़ी हूँ, नींद में हूँ मैं बट कोई नहीं, चलो चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। देखो कितना बढ़िया रोड है ये, मतलब 1 सेकंड का भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हाईवे है। और मैं भी बेवकूफ वाली बातें कर रही हूँ, हाईवे पे कहाँ से ट्रैफिक होगा, बट कभी कभी हाईवे पे ट्रैफिक होता है। तो एक बार सामने दिखा देना कितना बढ़िया रोड है, कितना स्मूथ
ऐसा रोड ना एयरपोर्ट पे होता है। और देखो गाइस हम बस 16 मिनट में पहुंच जाएंगे, 16 मिनट में पहुंच जाएंगे, 9:02 पे पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे। सो गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये लिखा है श्री शिव कुंभ साख्य सार्ख मजती अर्ध, या भाई मेरी हिंदी बहुत वीक है, अधमर्षण जी महाराज। पढ़ने में नहीं आ रहा है? नहीं पढ़ना एक बार क्या है ये। श्री शिव कुंभ साख मजती अधमर्षण षड, हाँ मैं फिर से पढ़ूंगी। श्री शिव कुंभ सारखमती अधमर्षण अधमर्षण, यार ये मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही जी महाराज, मार्ग कुंड सोना। चलो चलते हैं, इधर से नहीं जाना, चप्पल नहीं निकालनी। चलो क्या चप्पल ये जो अंकल है ना, क्या चप्पल वहीं पे दे दो, हम लोगों ने रख दिया है ना अपना। अच्छा उन्हीं को दे दो, रख देंगे। ठीक है आएंगे जूते चप्पल लेने के लिए ना, तो कुछ उनको दे देंगे अंकल। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ निकालने होते हैं शूज। हाँ गाइज एंट्री करते ही राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखने को मिलती है, और यहाँ पे हैं सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी। ये है मंदिर, गाइज मंदिर में आते ही घर वाले गुम हो गए, मेरे को मम्मी नहीं मिल रही और भाई भाभी पता नहीं सारे कहाँ गए मेरे को अकेले छोड़ के। ये देखो गाइज यहाँ पे क्यूट सा मंकी बैठा है, और देखो ऊपर चला गया। ये नहाने के तरीके हैं, स्नान साधारण स्नान 5 रुपए और बुकिंग स्नान 50 रुपए, मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती है फिर आप नहा सकते हो। ये ले लिया इन्होंने जो भी टिकट विकट लगता है यहाँ पे। अंदर लेके जा रहे हैं किसको? मैं नहीं जा रही, मैं इसको देखूंगी ना। तो मैं तो हूँ, मैं बाद में जाऊँगा, पहले जाओ। ठीक है। अरे नहीं लेडी पहले जाती है। मैं चेक करके आ रही हूँ, देखो कैसा है। पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो भाई, मेरे को पिंस्टू को पकड़ा रखा था इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। चल तू बैठ मोटे मोटे पिंस्टू। मम्मी भाई पिंस्टू तो सब नहा रहे हैं, और मैं चलो आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये एक शिव जी का छोटा सा यहाँ पे मंदिर है, वैसे पूरा मंदिर ही शिव जी का है, बट यहाँ पे देखो ये एक स्पेशल बना रखा है। यहाँ पे स्टेयर से जाएंगे ऐसे दर्शन के लिए, और शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी घंटियाँ बांध रखी है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पे लिखा है मित्र मंडल सेवा समिति, तो आप ये पोस्ट करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, देखो कितना बड़ा है पीपल का पेड़, वाइड करके दिखाती हूँ। पिंस्टू नहा के बाहर आ गई है। पिंस्टू कैसा लगा नहा के गर्म गर्म पानी में? आजा आजा आजा, बहुत गर्मी, रो रही थी, देखो हंस रही है, मजे आ गए, हंस रही है मजे आ गए। तो भाभी भी नहा कर आ गई है, भाभी ने आज मेरा सूट डाला है क्योंकि ये घर से कपड़े लेकर नहीं आई थी, लेकर आई थी साड़ी लेके आई थी, हाँ तो इनको सूट पहनने का मन था। तो भाभी ने नहा लिया, भाई ने नहा लिया, मम्मी ने भी नहा लिया, पर मैंने नहीं नहाया क्योंकि जब मैं अंदर गई ना, मैं ना बिल्कुल जल सी गई, इतना ज्यादा मतलब मेरे से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नहा लूँ वहाँ पे, इतना ज्यादा टेम्परेचर था ना, बहुत गर्म था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल जाऊंगी। पता नहीं इन्होंने कैसी हिम्मत करके नहाया है, पर गाइज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ना नहाऊ ना तो एटलीस्ट मेरे को मम्मी बता रही है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे पानी डाल ले, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला ये जो मंदिर है ना, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ पे स्पेशली लोग नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का जो कुंड है उसका जो पानी है एक तरीके से दवा का काम करता है। लाइक जिसको स्किन इन्फेक्शन होता है, ये स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब स्किन की किसी भी तरीके की जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो बिल्कुल ही ठीक कर देता है। मतलब ये पुराने टाइम से ये मान्यता चली आ रही है, मतलब लोगों का ऐसा मानना है। तो अगर यार इतने पुराने टाइम से अगर लोग मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। बाकी मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा करके पानी डाल लेती हूँ अभी जाके, जब तक मम्मी भाभी भाई ये लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं, इतने में जाके थोड़ा ऊपर जाके पानी डाल लेती हूँ। मैं अंदर फ़ोन लेके पता नहीं जाना अलाउ है या नहीं है, पर वहाँ पे लेडीज़ भी नहाती हैं तो मैं फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगी,
तो मैं जाके पानी डाल के आती हूँ। गाइस मैं आपको तो बताना ही भूल गई, ये लोकेशन है गुड़गांव में, सोना रोड करके है, वहाँ पे मैंने तो गूगल मैप पे ये लोकेशन डाली थी तो मुझे मिल गई थी। देखो गाइस ये जा रहे हैं पूजा करने। अच्छे लग रहे हो, चलो। देखो गाइस ये भाभी और मम्मी जा रही है मंदिर में पूजा करने, मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। देखो ये कढ़ाई वढ़ाई की गई है और यहाँ पे अंदर ये देखो मूर्तियाँ हैं साईं बाबा की। और मेरे को तो ये अच्छे लगे लड्डू गोपाल, जाओ टीका लगवा लो। ये देखो गाइस यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी, पूरी फैमिली। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बोलो? कुछ भी नहीं। क्या कुछ कह रहे थे ना अभी? हम तो मांग रहे थी। क्या मांग रहे हो? पैसे मांग रहे थी। क्यों मांग रहे हो? क्यों भी नहीं है? क्यों भी नहीं? क्यों भी नहीं पैसे क्यों मांग रहे हो हमसे? हम मांग रहे। गलत बात है, अब मत मांगना किसी से भी। पूरा परिवार बैठ गया देखो मांगने के लिए। अरे मम्मी मत दिया करो, बस लत लगवा दो फ्री का खाने की, मेहनत ना करें। भाभी गलत नहीं है ये? गलत है। कितनी अच्छी खासी है, लोगों को ही देती है। अब मैंने ऐसे बोल दिया ना, मुझे बुरा भला बोल गया वहाँ पे जाके। गाइस अभी देखा नहीं उसको, मम्मी ने पैसे दे दिए फिर उधर जाके मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी। तो भाई मैं मम्मी को ये कह रही हूँ कि मम्मी कह रही है ऐसे किसी जगह आते हैं तो दान पुण्य कर देना चाहिए। मैंने कब मना किया कि दान पुण्य मत करो, पर यार मैंने ये बोला कि कुछ खरीद के खाने को दे देती, खिला देती। ये पैसे देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। कहाँ जाना है मम्मी? हाँ सुन लो, आज के बाद पैसे मत देना। नहीं दूंगी। पक्का? पक्का यार, नहीं दूंगी। कुछ खिला देना खरीद के पर पैसे मत देना। सो गाइस सब लोगों का स्नान हो चुका है मुझे छोड़ के और अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर। बाकी बहुत कुछ जानने को मिला मुझे मंदिर के बारे में, बहुत एक नया एक्सपीरियंस रहा। और अभी कल भी आएंगे हम। और परसों मम्मी परसों आना है क्या? सिर्फ कल आना है हमें, कल आएंगे। और पंडित से भी काफी बात हुई थी, वो बातचीत हम कल दोबारा करेंगे तो आपको व्लॉग में ही दिखाएंगे। चलो अभी घर चलते हैं, देखते हैं
क्या अपडेट है घर की? सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, चलो गाइस ऊपर चलो ऊपर। खोलो कोई है क्या? खोलो खोलो, इंस्टा के हमले के लिए तैयार हो जाओ गाइस, तैयार हो ना? चलो मैं घर आ गया, आ जाओ जाम आजा आजा मोटे आजा आजा, तमाशा शुरू इसके। भाग गई, ये गया गया, मैं तो पकड़ रहा हूँ तब भी जा रहा है। सुनो ये बेटा, इसको शांत करवा लो, अभी थोड़ी देर में होगा अपने आप, मम्मी मेरे से नहीं होता ऐसे। पकड़ के मारो इसे, ये तो लाड कर रहा है तुमसे, तुम डांट रहे हो। पकड़ लो बेटे, ये पकड़ के थोड़ी देर शांत करवा बस। हां ये देखो आ गया शैतान, आ गया आ गया बदतमीज, ये देखो यहाँ चढ़ गया ये बेड पे। सो गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं, तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और हम वहाँ पे कल दोबारा जाएंगे, तो कल भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय, लव यू।